तत्पर रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और अधर्म के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। भगवान श्री राम आपके हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हैं, युगों युगों से हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं और हमारा परम कर्तव्य है कि हम सनातन की सदैव रक्षा करें। और महाविद्वान जो रावण था उसके जीवन चरित्र से हमें ये नित्य सीखने को मिलती है कि समाज में रावण जैसा आचरण करने वाले जो तत्व होते हैं उनकी भी कथनी और करनी में फर्क होता है। जैसे रावण के 10 शीश थे, उसी प्रकार जो मनुष्य चेहरे पे चेहरा रखता है, जिसकी कथनी और करनी में फर्क होता है, उसके भी अनेक चेहरे होते हैं। पर जो भगवान श्री राम की तरह होता है उसका जीवन चरित्र दर्पण के समान होता है, जिसकी कथनी और करनी में भेद नहीं होता। तो ऐसे लोगों से जीवन में नित्य प्रेरणा ले और जो अनेक चेहरे लगाकर राजराष्ट्र को, अपने समाज को जो धोखा दे रहे हैं या क्षति पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों से सदैव दूर रहे। भगवान श्री जानकीनाथ की कृपा बनी रहे और लक्ष्मी वेंकटेश भगवान जय हो। आज विजय पर्व के साथ में भगवान श्री वेंकटेश जी का भी जन्मोत्सव है, आज उनका प्राकट्य हुआ था, जो समस्त संसार पर अपनी कृपा कर रहे हैं। कभी तिरुमला जाओ तो जीवन में एक बार जरूर जाके आना। सनातन धर्म का ऐसा विशाल स्थान कहीं भी नहीं है, उनके दर्शन आपको प्राप्त हो। हे ठाकुर जी से प्रार्थना है, यश मन्ना हमारे सहयोगी के रूप में।